दोस्तों, अगर कुछ लोगों को सीबीआई और सीआईडी में अंतर पता करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो उसमें सिर्फ इतना अंतर है कि सीआईडी स्टेट लेवल तक होता है और यह स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार काम करता है, जबकि सीबीआई केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कार्य पूरे देश में कर सकता है। बस यह छोटा सा फर्क है, बाकी दोनों का काम एक ही है। सीबीआई का जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और सीआईडी यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। इनमें जाना बहुत से लोगों का सपना होता है, तो सबसे पहले जानते हैं कि आप सीबीआई को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। सीबीआई और सीआईडी में जाने के तीन रास्ते हैं। सबसे पहला है एसएससी सीजीएल, इस एग्जाम से आप सीबीआई एसआई बन सकते हैं, या फिर आप यूपीएससी का एग्जाम देकर आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। और तीसरा है सर्विस, यानी आप पुलिस सर्विस को ज्वाइन करके इंटरनल एग्जाम जो सीआईडी द्वारा कंडक्ट किया जाता है उसे क्लियर करके सीआईडी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आप ऑनलाइन फॉर्म हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही भरें, जो यहां पर स्क्रीन पर आप देख सकते हो इस समय, और यही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। एसएससी सीजीएल परीक्षा को चार लेवल्स में डिवाइड किया गया है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4। उसके बाद टीयर 1 एग्जाम देना होगा, जिसका पैटर्न ऐसा होगा, यानी सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना है और उसके बाद यह एग्जाम पैटर्न। तो टीयर 1 में होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो ऑनलाइन होंगे, टीयर 2 में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे वो भी ऑनलाइन होंगे, टीयर 3 में एसे एंड लेटर राइटिंग इंग्लिश या फिर हिंदी में होगा, जो ऑफलाइन रिटन एग्जाम होता है, और चौथा है आपका फिजिकल टेस्ट। दोस्तों, अब हम हर एक टीयर का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टीयर 1 का एग्जाम किस प्रकार होता है। टीयर 1 एग्जाम ऑनलाइन होगी, इसमें से 4 सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, यानी कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न के आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको सही आंसर चूज करना होगा। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर आपका एक उत्तर गलत हुआ तो 0.5 मार्क्स काट दिए जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपके पास 60 मिनट का समय होगा, वहीं विकलांग यानी हैंडीकैप्ड स्टूडेंट को 80 मिनट्स मिलेंगे। एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार होगी, सेक्शंस होंगे ए बी सी डी। सबसे पहला सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, जिसमें से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। दूसरा सेक्शन है जनरल अवेयरनेस, इसमें से भी 25 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के लिए। फिर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें भी 25 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के। और लास्ट में है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इसमें भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए होंगे। तो टोटल होंगे 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के लिए। अब देखते हैं सिलेबस। तो सिलेबस थोड़ा बड़ा है, इसलिए हमने इसे स्क्रीन पर दिखा दिया है, आप सभी टॉपिक्स को देख सकते हो। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर आप देख सकते हो कि मैं कुछ टॉपिक्स के नाम ले लेता हूँ, क्लासिफिकेशन, सीरीज, पजल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम, क्रिटिकल थिंकिंग, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दूसरा टॉपिक है जनरल अवेयरनेस, इनमें भी आप देख सकते हो मैं फिर से कुछ ही टॉपिक्स के नाम लूँगा, बाकी टॉपिक का अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी पूरी पीडीएफ फाइल, या तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, ये सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर। उसके बाद अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो आता है नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, एवरेज, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, मेंसुरेशन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, नंबर सिस्टम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, डेटा सफिशिएंसी, पाइप्स एंड सिस्टम्स, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस कम्प्लीशन, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, idioms एंड phrases, वन वर्ड substitution, स्पॉटिंग एरर, synonyms एंड antonyms। यहाँ पर मैंने सारे नाम ले लिए हैं। आपको एग्जाम में इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड questions पूछे जाएंगे। पिछले साल जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ मार्क 137.07 था। उसके बाद आपको टायर 2 एग्जाम देना होगा, इसकी परीक्षा भी ऑनलाइन होती है, और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको फिर से 4 ऑप्शन ही दिए जाएंगे, जिनमें से एक ही सही होता है। इसे फिर से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रत्येक पेपर के लिए या प्रत्येक पार्ट के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और दृष्टिहीन विद्यार्थियों को 2 घंटे 40 मिनट का समय मिलेगा। चलिए इसका एग्जाम पैटर्न देखते हैं। तो सबसे पहला है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जिसमें होंगे 100 क्वेश्चंस,
जो 200 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। उसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसन, इनमें 200 क्वेश्चन होंगे जो 200 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। फिर है स्टैटिस्टिक्स, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे फिर से 200 मार्क्स के लिए। और जनरल स्टडीज़, इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के लिए। लेकिन इसमें से आपको केवल पेपर 1 और पेपर 2 देना होगा, केवल मैथ और इंग्लिश। यह पेपर सीबीआई के लिए है। पेपर 1 में प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए 0.5 मार्क्स काट दिए जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग है 0.5 की, जबकि पेपर 2 में हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क्स कट होंगे। चलिए देखते हैं कि टायर 2 से कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला कॉलम है टॉपिक, यहाँ पर सारे टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एक्सपेक्टेड पैटर्न है, यानी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऐसे होंगे, और ये जो एक्सपेक्टेशन होता है वो प्रायर ईयर के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए एक्सपेक्ट किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि ज्योमेट्री में 15, मेंसुरेशन से 10, फिर से ट्रिग्नोमेट्री से 10, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस से 11, और बाकी सबसे 5, 3, 7, 3, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये पूरी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे दी गई है, आप इसे देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसी तरह अगर पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो यहाँ पर भी क्वेश्चन चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, हमेशा की तरह। मैथ्स की ही तरह यहाँ पर जो पहला कॉलम है वो टॉपिक का है, और बाकी जो एक्सपेक्टेड जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हो, स्क्रीन पर दिया गया है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर अंत में आप जो इसका पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां से भी इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। टायर 3 की अगर बात करें हम, तो टायर 3 की एग्जाम ऑफलाइन होती है, जिसमें वर्णात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे। इसकी परीक्षा हिंदी या इंग्लिश, इन भाषाओं में होती है। आपको इनमें से किसी एक भाषा को चुनना होगा, या आप अपनी भाषा चुन सकते हैं। इस परीक्षा द्वारा उम्मीदवारों की भाषा कुशलता, व्याकरण ज्ञान, शब्दावली उपयोग और लेखन कौशल का परीक्षण इंग्लिश या हिंदी में किया जाता है। टीयर 3 की परीक्षा 100 मार्क्स की होती है, जिसे पूरा करने के लिए आपको केवल 60 मिनट का समय दिया जाता है। पीडब्ल्यूडी श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए यह समय 80 मिनट का होता है। इसका एग्जाम पैटर्न देखते हैं, तो यहाँ पर केवल एक ही है, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर 100 मार्क। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आपको 33% अंक प्राप्त करने होते हैं। अब देखते हैं सिलेबस। इस परीक्षा में आपको निबंध यानी एसे, एक पार्ट या भाषण का सारांश या सार यानी पैसेज राइटिंग, आवेदन यानी एप्लीकेशन और पत्र यानी लेटर लिखना होता है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए आपका व्याकरण शुद्ध होना आवश्यक है। सीबीआई एसआई के लिए कट ऑफ कुछ इस प्रकार होता है। एसआई यानी सब इंस्पेक्टर, सबसे पहले है पोस्ट कोड, फिर है कैटेगरी, और लास्ट में है कट ऑफ मार्क्स। आप देख सकते हो स्क्रीन पर, इसे काफी छोटा सा टेबल है जहां से आप देख सकते हो कि कट ऑफ मार्क्स क्या है, और अंत में आता है फिजिकल टेस्ट। सो फ्रेंड्स, ये है फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हाइट है फॉर मेन 165 सेंटीमीटर्स, फॉर वुमेन 150 सेंटीमीटर्स। तो दोस्तों, हाइट की जो फ्लेक्सिबिलिटी फॉर हिल्समैन एंड ट्राइबल्स के लिए है वो है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर की फ्लेक्सिबिलिटी इन्हें दी गई है। फिर अगर चेस्ट की बात करें तो 76 सेंटीमीटर विथ एक्सपांशन। There shall be no such requirement in case of female candidates. So, यह केवल male candidates के लिए है। अब अगर vision की बात करें तो eyesight with or without glasses कुछ इस तरह होगी। Distance vision 6x6 in one and 6x9 in the other eye. Near vision 0.6 in one eye and 0.8 in other eye. फिजिकल टेस्ट के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, जिसका शेड्यूल कुछ इस प्रकार का है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग विद CBI Academy फेज 1. 7 मंथ्स की ट्रेनिंग यानी 28 वीक्स। अटैचमेंट विद लोकल पुलिस 9 वीक्स। अटैचमेंट विद CBI ब्रांच 9 वीक्स। इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग विद CBI एकेडमी 10 वीक्स, यानी टोटल है 1 ईयर 7 वीक्स। पोस्टिंग ऑफ सब इंस्पेक्टर अंडर CBI डिपार्टमेंट। सो 90% सिलेक्टेड कैंडिडेट को न्यू दिल्ली के हेडक्वार्टर में ड्यूटी मिलती है। CBI जनरली आपको बड़ी सिटी का पोस्ट ऑफर करती है, जैसे दिल्ली, मुंबई।